वॉइस क्लियर आ रही है? यस सर। लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने पल्स कोड मॉड्यूलेशन पढ़ा, उसमें है किसी को डाउट? अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ है, कई सारी चीजें अभी और डिस्कस कर लिए, जितना अभी डिस्कस हुआ है उसमें किसी रिलेटेड। सर आपकी स्क्रीन शेयर नहीं है। हाँ अभी बेटा स्क्रीन नहीं। डिफरेंट ब्लॉक्स का जो बेसिक वर्किंग था वो हमने देखा था, क्वांटाइजेशन एरर क्या होती है, इतनी चीजों में किसी को देखता है। जब पल्सकोन मॉड्यूलेशन देखा एक यहाँ पे प्रॉम्प्ट देखा जो सैंपलिंग का, हमने इसकी फिजिकल मीनिंग भी देखी कि किस तरीके से सैंपलिंग करेगा। अब जब इस पल्सकोन मॉड्यूलेशन को पूरा एग्जीक्यूट किया, एक चीज को समझ में आया कि भाई हम कर क्या रहे हैं, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसके बाद ट्रांसमिट कर रहे हैं, फिर यहाँ पे रिसीव कर रहे हैं, मतलब रिसीवर से रिसीव कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगेन जाए ये वाला जो आउटपुट में यहाँ सिग्नल मिलेगा ये अगेन एनालॉग सिग्नल है। भाई सिंपल सी चीज है, अगर तुम तुम्हारे पास एक मैसेज, तुम्हारा एक वॉइस सिग्नल है, एक मैसेज तुम्हारा एक वॉइस सिग्नल है, तो तुम जो रिसीव करना चाहोगे रिसीवर में जो रिसीव करना चाहोगे वो भी एक वॉइस सिग्नल ही रिसीव करना चाहोगे। तुम 1010 के कोड्स को पढ़ के तो बता नहीं सकते ना कि क्या मैसेज है। दैट मींस तुम्हें वापस उस सिग्नल को डिकोड भी करना है, वापस उस सिग्नल को रिकंस्ट्रक्ट भी करना है, मीनिंग ये जो सारे काम किए इनको वापस रिकंस्ट्रक्ट करना है। और ये रिकंस्ट्रक्शन प्रॉपरली हो उसके लिए हमें इस ब्लॉक पे बड़ा ध्यान देना, इस ब्लॉक पे और इस ब्लॉक पे। पहले इसकी बात करते हैं कि ये जो सैंपलर है इसमें हमें ये सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी डिसाइड करनी पड़ती है कि किस इंटरवल पे हमें सैंपल्स लेने, ये हमें प्री डिफाइन करना ठीक। मीनिंग हम पहले से डिसाइड करते हैं कि अगर हम एक मैसेज सिग्नल ये जो है इस पर्टिकुलर मैसेज सिग्नल के लिए जो सैंपलिंग इंटरवल है वो अगर हम प्री डिफाइन कर दें कितना करें, ताकि जब हम यहाँ पे लो पास फिल्टर लगा के सिग्नल को रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उस टाइम पे कोई डिस्टॉर्शन ना आए सिग्नल। तो ये जो सैंपलिंग इंटरवल को फिक्स करने की या डिसाइड करने का जो प्रोसेस था उसके लिए हमें सैंपलिंग थ्योरम की जरूरत पड़ती है, लिए हमें सैंपलिंग थ्योरम की जरूरत होती है। अच्छा सिग्नल में क्या अभी तक सैंपलिंग थ्योरम पढ़ा है? ये सैंपलिंग थ्योरम क्या है? कि मेरे पास अगर एक कॉन्टिन्यूस बैंड लिमिटेड सिग्नल, एक बैंड लिमिटेड और बैंड अनलिमिटेड का मतलब हमने देखा था, एक सिग्नल है जैसे ये कोई मेरा मैसेज सिग्नल है एमटी, इस मैसेज का जब मैंने फूरियर ट्रांसफॉर्म लिया एम ओमेगा, तब मैंने देखा कि इसका जो फूरियर ट्रांसफॉर्म है ये जीरो से लेके सॉरी
माइनस इनफिनिटी से लेकर प्लस इनफिनिटी तक हर फ्रीक्वेंसी पे एग्जिस्ट करता है। तो ऐसे सिग्नल को हम क्या बोलते हैं, बाइनरी अनलिमिटेड सिग्नल। यहाँ बाइनरी की कोई लिमिट नहीं है, जीरो से इनफिनिटी तक इसकी ये किसी भी फ्रीक्वेंसी पर, मीनिंग इनकी जो बैंडविड्थ है वो कितनी है, इनफिनिट। इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, बैंड अनलिमिटेड सिग्नल। इसकी बैंडविड्थ हम निकालेंगे तो लोअर फ्रीक्वेंसी जीरो और हायर फ्रीक्वेंसी कितनी है, प्लस इनफिनिटी। जब बैंडविड्थ निकालोगे तो क्या होगा, इनफिनिट माइनस जीरो, दैट इज इनफिनिट। ठीक, और वही पे ऐसे सिग्नल जिनका जब तुमने एम ओमेगा यानी फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाला, स्पेक्ट्रम ड्रॉ किया, तो वो किसी तो किसी पर्टिकुलर फाइनाइट फ्रीक्वेंसी में लिमिटेड। जैसे हमने तो ये वाला जो सिग्नल है इसकी जो बैंडविड्थ है वो डिफाइंड है 2 किलोहर्ट्ज की। ये क्या सिग्नल है, बैंड लिमिटेड सिग्नल। जो सैंपलिंग थ्योरम है वो किन पे अप्लाइड होती है, बैंड लिमिटेड सिग्नल। तो सैंपलिंग थ्योरम कहती है a continuous signal band limited to fm hertz is represented by its equivalent samples without any information loss. Provided sampling frequency is greater than or equal to 2fs, ya fir sampling interval is less than or equal to 1/2fs. उसको अच्छे से समझना कि तुम्हें इससे तुम्हें दोनों जगह पे क्वेश्चन आ सकते हैं, कम्युनिकेशन में भी क्वेश्चन आ सकते हैं और तुम्हें सिग्नल सिस्टम में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक, सेकंड पॉइंट इसका क्या है, सैंपलिंग थ्योरम का, कंटीन्यूअस सिग्नल without any information and can be completely recover by its samples provided, meaning sampling theorem क्या कहती है, अगर कोई एक band limited signal एक continuous band limited signal है तो उसको सैंपलिंग करा के डिस्क्रीट में चेंज करना चाह रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले देखो उस सिग्नल की बैंडविड्थ क्या है। ठीक, उस सिग्नल की बैंडविड्थ क्या है ये देखो। ठीक, और अगर तुम चाह रहे हो कि इस बैंडविड्थ के सिग्नल
बिना किसी इंफॉर्मेशन लॉस के डिफरेंट सैंपल्स में इक्विवेलेंट सैंपल्स में इन कन्वर्ट कर सकते डिस्क्रीट सिग्नल में कन्वर्ट कर सकते बिना इंफॉर्मेशन लॉस के एंड जब जरूरत पड़े तो वापस इसको रिकवर कर सकते मीनिंग ये मेरा ये था ठीक इसको हमने सैंपल किया उसके सैंपल्स है तो जब हमें जरूरत पड़े तो वापस हम डिस्क्रीट से वापस यहाँ पर भी आ सकते ये चीज पॉसिबल हो इसका रिकंस्ट्रक्शन इसका रिकवर पॉसिबल हो उसके लिए दो कंडीशंस है या बेसिकली एक कंडीशन है कि सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन और इक्वल टू होनी चाहिए 2 into मैसेज बैंड या उसी को अगर इस तरह से लिखे कि सैंपलिंग इंटरवल लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए 1/2 उसको ध्यान रखना ये है तुम्हारी सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी और ये है तुम्हारा सैंपलिंग इंटरवल ठीक है इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं जहाँ कोई सिग्नल दे दिया गया मैसेज कोसाइन फॉर्म में और तुमसे डायरेक्टली पूछ लिया गया कि इसकी कितनी सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी रखी जाए तो ये रिकंस्ट्रक्ट हो जाएगी ठीक इसके तुम्हारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इजीली बन सकते हैं कि तुम्हें कई सारे ऑप्शन दे दिए गए और बोला गया कि कौन सी सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी रखी जाए तो ये प्रॉपरली रिकंस्ट्रक्ट किए जा सकते तुम्हें वहां पर ये कंडीशन इसके फुलफिल करानी होगी वहां पर चेक करना होगा डिफरेंट फ्रीक्वेंसी में से कौन सी फ्रीक्वेंसी 2 FM से ज्यादा है ठीक अब यहाँ पे इस थ्योरम के अकॉर्डिंग इस थ्योरम के बेसिस पे हमने सैंपलिंग को 3 पार्ट में डिवाइड किया एक जब सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 2 FM एक जब सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी लेस देन 2 FM एक जब सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 2 FM ठीक अब ये केस हुआ ये तो हमारे लिए ठीक है यहाँ कोई हमारा नुकसान नहीं है इसको हम बोलते हैं ओवरसैंपलिंग ये वाले में हमें प्रॉब्लम क्या दिक्कतें आएंगी अभी आगे देखें ठीक इसको हम बोलते हैं अंडर सैंपलिंग और जब इक्वल टू में तो ये हम बोलते हैं इसको क्रिटिकल सैंपलिंग भी आगे जाके ये समझेंगे कि भाई क्रिटिकल सैंपलिंग हमारे सबसे अच्छी हो सकती है क्यों क्योंकि यहाँ पे हम इजीली सैंपलिंग करके उसको रिकंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं सिग्नल को और दूसरा फायदा क्या है जो बैंडविड्थ रिक्वायर्ड ठीक है जो fs की वैल्यू है वो भी हमें मिनिमम पॉसिबल रखनी होगी लेकिन आगे हमें ये भी समझना होगा कि हाँ भाई कुछ प्रैक्टिकल रिस्ट्रिक्शंस की वजह से वही रिस्ट्रिक्शन जो हमने जब हमने फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन पढ़ा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन SSPSC सिग्नल में जब हमने उसको एक बैंड पास फिल्टर से पास करा के उसको कट करने की कोशिश करी तो हमें एक फिजिकल लिमिटेशन मिला था क्या था वो कि भाई जो हमारा फिल्टर उनमें शार्प कट्स नहीं होते हम भले ही उनका ट्रांसफर फंक्शन इस तरह से बना देते हैं बट ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली जो फिल्टर का ट्रांसफर फंक्शन होगा कुछ इस तरीके का एग्जैक्टली शार्प कट्स नहीं मिलते मतलब एग्जैक्टली तुम नहीं कर सकते कि 10 Hz -10 Hz से +10 Hz के बीच में ही तुम्हारा ट्रांसफर फंक्शन एग्जिस्ट करेगा दैट इज व्हाई हम क्रिटिकल सैंपलिंग को नहीं यूज करते अंडर सैंपलिंग तो हमें क्लियर कर पता है कि भाई ये तो हमारी सैंपलिंग थ्योरम को फॉलो नहीं कर रही इसको यूज करेंगे तो 100% है कि हमारा सिग्नल में या तो इंफॉर्मेशन लॉस हो जाएगी और या फिर उसका जब रिकंस्ट्रक्शन कर रहे होंगे उस टाइम पे
हमारे सिविल का प्रॉपर रिकवर नहीं है। तो ये भी प्रैक्टिकली हम इसको और थ्योरेटिकली हम ये कहते हैं कि ये बेस्ट है, थ्योरेटिकली हम ये कहते हैं कि ये वाली बेस्ट है, प्रैक्टिकली हम यूज इसको इसको हम क्यों नहीं यूज कर सकते? लिमिटेशन है बैंड पास फिल्टर, जो फिल्टर्स हैं उनके उनका अपना एक लिमिटेशन है कि उनमें शार्प कट्स नहीं होते, ऐसे शार्प चेंज नहीं होता, मैंने ऐसा नहीं है केवल माइनस 10 से 10 के बीच की ही फ्रीक्वेंसी को पास किया बाकी सबको इधर वाले को ब्लॉक कर दिया। ठीक, यहाँ पे होगा क्या, हम माइनस 10 से 10 वाला ऐसा कोई फिल्टर डिजाइन करेंगे जिसका पास लेंथ 10 से माइनस 10 के बीच में हो, तो वो 10 से थोड़ा सा आगे की माइनस 10 से थोड़ा सा आगे की इधर 10 से थोड़ा सा आगे की भी फ्रीक्वेंसी को पास कराते हैं, तो गेन कम देगा लेकिन पास जरूर कराते हैं, और यही हमारी प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम हमने जब एसएसबी एसी देखा था तब भी ऐसी। अब अगर सैंपलिंग थ्योरम की प्रूविंग मतलब ये समझने की कोशिश करें कि सैंपलिंग थ्योरम बेसिकली ये जो इन्होंने कंडीशन दे दी ये एक्सिस्ट कैसे करेगी, वो कैसे सैंपलिंग हमने ये तो देख लिया कि हम प्रैक्टिकली कैसे करेंगे, सैंपल होल्ड सर्किट के बारे में हमने पढ़ लिया सुन लिया। ठीक, लेकिन एग्जैक्टली मैथमेटिकली ये चीज परफॉर्म कैसे होगी वो हमें या फिर देखिए, लेट्स से ये मेरे पास मैसेज सिग्नल एमपी जिसकी मुझे सैंपलिंग करानी, मैंने इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म देखा। अब ये फोरियर ट्रांसफॉर्म कुछ इस तरह का दिखाई दे, ये मेरे अजम्पशन है कि इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ऐसा होगा, तो ये फोरियर ट्रांसफॉर्म माइनस एफ एन से एफ एन के बीच, तो हमें क्लियरली पता चल गया कि भाई जो हमारा ये मैसेज सिग्नल है उसकी बैंडविड्थ कितनी है एफ एन। अब इन जनरल अगर इस मैसेज सिग्नल को हमें सैंपलिंग कराना, मीनिंग इस मैसेज सिग्नल की डिफरेंट इंस्टेंसेस पे केवल डिफरेंट इंस्टेंसेस पे हमें वैल्यू कंसीडर करनी है बाकी को छोड़ देना, तो उसके लिए हम क्या करें, एक पल्स ट्रेन पल्स ट्रेन सिग्नल, ये अभी तक सिग्नल एंड सिस्टम में देखा कि नहीं देखा? सर ये एक्सपेरिमेंट में किया था पल्स ट्रेन सिग्नल एनालॉग में। हाँ सर ये एक्सपेरिमेंट में एक्सप्लेन हुआ है एक जगह पल्स ट्रेन सिग्नल। अच्छा क्या होता है? सैंपल एंड होल्ड सर, पल्स ट्रेन सिग्नल जीरो और वन में चल रही पल्स होती है, इसके दो पल्सेस के बीच में डिस्टेंस बराबर होती है और एम्पलीट्यूड भी सेम होता है हर पल्स में। इस तरह का पल्स ट्रेन सिग्नल देखा है? इससे स्क्वायर वेव के तरीके से होती है सर। नहीं सर वो कंटिन्यूअस पल्स ट्रेन थी सर। कंटिन्यूअस पल्स यस सर, स्क्वायर शेप में थी। ये बेसिकली जो इसको हम मोर स्पेसिफिकली कर ले कंफ्यूजन, उसको हम इंपल्स ट्रेन बोलते हैं। ठीक, इंपल्स ट्रेन का मतलब क्या है? कई सारे जैसे तुमने पल्स ट्रेन देखी वहां पे स्क्वायर वेव थी जो कि एक रेगुलर इंटरवल में अपने आप को रिपीट कर रही थी। ठीक, यहाँ पे हम इसको मोर स्पेसिफिकली अगर बोले ये बेसिकली क्या है, इंपल्स ट्रेन। ठीक, ये यहाँ पे हमारा क्या है, इंपल्स सिग्नल्स है। ठीक, जो कि एक रेगुलर इंटरवल पे अपने आप को रिपीट कर रहे, जब भी हम जहाँ पे भी सिग्नल के साथ ट्रेन लग जाए तो मीनिंग कोई एक पर्टिकुलर वेव अपने आप को रिपीट कर रही है, पल्स वेव रिपीट कर रही है अपने आप को तो पल्स ट्रेन, इंपल्स सिग्नल अगर अपने आप को रिपीट कर रहे हैं तो इंपल्स ट्रेन। ठीक, सर
हमें पता है, एक हमने प्रॉपर्टी पढ़ी कि अगर किसी एक्सटी सिग्नल को एल टी माइनस टी नॉट से मल्टीप्लाई करा तो जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, इस एक्सटी सिग्नल की पर्टिकुलर टाइम टी नॉट पे वैल्यू एक्सटी। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, एक इंपल्स सिग्नल की ट्रेन ले जो एक रेगुलर इंटरवल टीएस पे अपने आप को रिपीट कर रहा है, या ये कहें रेगुलर इंटरवल टीएस पे सेम एम्पलीट्यूड के इंपल्स सिग्नल एग्जिस्ट कर रहे हैं। This is amplitude one. Imagine करो इस impulse train को अगर हम इस message signal से multiply कराते हैं क्या होगा, जब ये वाला impulse signal इसको क्या लिख सकते हैं, ये क्या होगा del t minus ts, इस impulse train से represent करेंगे भाई, del t का मतलब zero पे है और del t minus ts का मतलब है एक impulse signal जो कि ts का exist कर रहा है, इस तरह से इसको क्या लिख सकते हो del t minus 2ts, ये वाला क्या हो जाएगा del t minus 3ts। अब जब mt को इस message signal को multiply कराओगे इस del t minus ts से तो हमें क्या मिलेगा, इस message signal का time t is equal to ts पे जो value हो वो हमें एज एन आउटपुट मिल जाएगा। ठीक, इन दोनों का जब मल्टीप्लिकेशन होगा इस इंपल्स सिग्नल का और इस मैसेज सिग्नल, तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा टीएस। इसी तरह से इस इंपल्स सिग्नल का मल्टीप्लिकेशन होगा इस मैसेज सिग्नल से तो हमें 2ts पे जो एम्पलीट्यूड होगा वो मिल जाएगा आउटपुट में, कैसे, इस प्रॉपर्टी के हिसाब से। तो हमें याद क्या रखना है कि जब हम सैंपलिंग करा रहे हैं हम इन जनरल टर्म्स करके आ रहे हैं, मैसेज सिग्नल को एक इंपल्स ट्रेन से मल्टीप्लाई कर रहा है, मैसेज सिग्नल को एक इंपल्स ट्रेन से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है, जहां जहां पे इंपल्स सिग्नल एग्जिस्ट कर रहे हैं, जहां जहां पे ये इंपल्स सिग्नल एग्जिस्ट कर रहे हैं एमटी की वो एग्जांपल्स हमें आउटपुट में दिखाई दे रहे हैं। तो मैथमेटिकली अगर हम लिखे तो सैंपलिंग का मतलब क्या है, एमटी मल्टीप्लाई बाय समेशन n is equal to minus infinity to infinity then t minus n t हमने simply यहाँ जो ये signal लिखा था इसको हमने एक साथ लिख लिया, ये basically क्या summation del t minus n t s जहाँ पे n की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में एग्जिस्ट कर सकती है। जब n इज इक्वल टू 1 रखोगे तो ये वाले इंपल्स सिग्नल की बात हो रही होगी, n इज इक्वल टू 2 3 3 4 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी, इधर से इधर सो ऑन माइनस। और जब इसको अगर हम लिखें m n ds, मीनिंग जब सैंपलिंग हो रही है तो बेसिकली हो क्या रहा है, मैसेज सिग्नल मल्टीप्लाई हो रहा है इंपल्स ट्रेन से और जो आउटपुट आएगा उसको अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो वो कुछ इस तरह का दिखाई देगा।
एचटी की वैल्यूज हमें मिलती जाएंगी उन उन इंस्टेंसेस पे जहां पे इंपल्स सिग्नल एग्जिस्ट कर रहा, टीएस पे एग्जिस्ट कर रहा था, ये मिल गई, 2TS पे एग्जिस्ट कर रहा था, 3TS पे एग्जिस्ट कर रहा था, इधर नहीं था इसलिए समझ नहीं मिला, 4TS पे, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन टाइम डोमेन में जो सैंपल सिग्नल वो ये सैंपल सिग्नल को अगर मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देना है टाइम डोमेन में ठीक तो वो क्या है ये तो हो गई टाइम डोमेन की बात। अब हमें क्या करना है, हमें क्या करना है फ्रीक्वेंसी डोमेन में इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मीनिंग फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या हो रहा है। हमें ये तो पता है कि MT का जो फूरियर ट्रांसफॉर्म है ये हमने अज्यूम कर सिग्नल का जो फूरियर ट्रांसफॉर्म है ये हमने अज्यूम करा। अब हमें क्या करना है इस इंपल्स ट्रेन का फूरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट। देखो इंपल्स ट्रेन का फूरियर ट्रांसफॉर्म एक और इंपल्स ट्रेन ही होती है, ये याद रखना, मीनिंग summation n is equal to minus infinity to infinity del t minus n ts इसका अगर हम फोरियर ट्रांसफॉर्म तो हमें अगेन एक इंपल्स ट्रेन मिलेगी n is equal to minus infinity से infinity del f minus n f s। इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि इंपल्स ट्रेन का जो फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है वो अगेन एक इंपल्स ट्रेन, बस डिफरेंस क्या आएगा यहाँ पे एम्पलीट्यूड वन था, यहाँ पे एक था एफ एस का मल्टीप्लिकेशन। लेट्स से इसको इक्वेशन वन बोलते हैं ठीक। अब इस इक्वेशन वन का अगर हम फोरियर ट्रांसफॉर्म लें तो हमें पता है कि भाई एच टी इंटू वाई टी एक सिग्नल है एच टी जिसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है एक्स एफ और एक सिग्नल है वाई टी उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है वाई एफ। तो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा एक्स टी इंटू वाई टी का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म वो क्या होगा एक्स एफ यानी एच टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म कन्वोल्यूशन वाई एफ। ये हम ऑलरेडी एक बार देख चुके हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज में। Thank you.
अगर n is equal to minus infinity to infinity, यानी इंपल्स ट्रेन का हम फोरियर ट्रांसफॉर्म में वो अगेन एक इंपल्स ट्रेन है, f minus n चेंजेस करेंगे ये बाहर, यहाँ पे f is there, इसको हमने इक्वेशन वन कंसीडर। अब हम क्या चाहते हैं, इस जो हमने सैंपल सिग्नल लिखा ठीक है, इसका जो टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन है ठीक, इसका हम फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन भी देखना चाह रहे हैं ठीक है। एक्चुअली हम फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन क्यों देखना चाह रहे हैं कि वापस इसको रिकंस्ट्रक्ट जो करना है वो हम कैसे करेंगे, वो चीजों पर हम समझना चाह रहे हैं। प्लस से हमने इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म, हमने भी समझा कि दो सिग्नल का अगर हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म अलग अलग पता हो, मीनिंग इसका हमें पता है एम टी का क्या है एम एफ और इस इम्पल्स ट्रेन का क्या है ये ना, एम एम एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये क्या है बेसिकली फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ जो हमने भी सैंपल सिग्नल लिया था उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म, क्या आ जाएगा एम एफ फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ मैसेज सिग्नल कन्वोल्यूशन ऑफ इंपल्स ट्रेन का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ इक्वेशन वन, इस पॉइंट पे किसी को कोई डाउट, हमने सिंपली क्या किया है ये जो यहाँ पे एम एन टी एस था उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म हमने एम एन एफ लिया है और उसकी वैल्यू क्या आई है मैसेज सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म यानी एम एफ कन्वोल्यूशन इंपल्स ट्रेन का फोरियर ट्रांसफॉर्म ठीक। अब रन करो तो एक और प्रॉपर्टी हमने तुम्हें बताई थी कि अगर एक्स टी का कन्वोल्यूशन हो रहा है डेल पी माइनस टी नॉट, दोनों प्रॉपर्टी देखो इंपल्स ट्रेन की जितनी भी प्रॉपर्टीज है उनको बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि वो जब तक तुम्हें कहीं ना कहीं नजर आ जाए। रीजन कि हम जितना भी सिस्टम एनालिसिस चाहे वो कम्युनिकेशन में हो या सिग्नल में हो, जब भी हम सिस्टम एनालिसिस की बात करते हैं तब हम इंपल्स रिस्पॉन्स की बात करते हैं और इंपल्स रिस्पॉन्स का मतलब ही है कि तुम्हें या तो वहाँ कन्वोल्यूशन करना हो रहा होगा डेल्टा टी से यानी इंपल्स सिग्नल से या मल्टीप्लाई कराना होगा इंपल्स सिग्नल से। तो तुम्हें इंपल्स की ये दोनों प्रॉपर्टी, एक ये जब किसी सिग्नल को डेल्टा टी माइनस टी नॉट से मल्टीप्लाई कन्वॉल्व कराते हैं तो आउटपुट क्या आता है एच टी माइनस टी नॉट, दैट इज अगर एच टी को हम कन्वॉल्व कराएंगे डेल्टा टी से तो हमें क्या मिलेगा अगेन एच टी, ये कहें कि एच टी को अगर हम कन्वॉल्व कराएंगे डेल टी माइनस टू से, अगर डेल टी से एच टी को हम कन्वॉल्व कराएंगे डेल टी माइनस टू से तो हमें क्या मिलेगा एक्स टी माइनस टू मिलेगा, ये कन्वोल्यूशन की बात हो गई। और मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें क्या बताया कि अगर एच टी को मल्टीप्लाई कराया डेल टी माइनस टू से जो आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा इस xt का t is equal to 2 पे सैंपल यानी x of 2 मिलेगा, इसी तरह से xt को अगर डेल्टा से मल्टीप्लाई करा तो हमें क्या मिलता x of 0, ये दोनों प्रॉपर्टीज जरूर से जरूर लिया। अब देखो mf है
एन से इंडिपेंडेंट है, इजीली अंदर जा सकता है, क्या हो जाएगा? एफ एस समेशन एन इज इक्वल टू माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी एम एफ कन्वोल्यूशन एल एफ माइनस एन एफ एस। इसका जो भी कन्वोल्यूशन परफॉर्म यूजिंग दिस प्रॉपर्टी हमें क्या मिलेगा? एफ एस summation n is equal to minus infinity to infinity m f minus n yes क्या है? सैंपल सिग्नल का फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन। Notation of sample zero. अब इसको अगर हम ग्राफ में बनाने की कोशिश करें, जब n is equal to zero हो, n की वैल्यू जब zero हो, n is equal to zero, तो ये क्या आएगा? mf n is equal to m n f l इसके बराबर होगा m f के बराबर। जब n is equal to one होगा m n f is equal to किसके बराबर होगा? multiply by f s f s into m f minus f s। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट n की वैल्यूज पे हमें क्या मिल रहा है? जब n इज इक्वल टू जीरो है तो हमें मैसेज सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म मिल रहा है, जब n इज इक्वल टू वन है तो मैसेज सिग्नल का शिफ्टेड वर्जन मिला। कितनी शिफ्टिंग हुई है? एफ एस से शिफ्टिंग। और इसी तरह से n इज इक्वल टू माइनस वन तो m n f इज इक्वल टू क्या हो जाता है? f s into m f plus f s। बेसिकली हम ये पॉइंट इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ये वाला कि अभी हम ग्राफिकली इसको बनाना चाह रहे हैं, तो हम देखना चाह रहे हैं डिफरेंट n की वैल्यूज पे कैसे क्या क्या रिप्रेजेंटेशन होगा, उसके अकॉर्डिंगली हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो लेट्स से कि मेरा फ्रीक्वेंसी स्केल अब जब इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस जो फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिग्नल है उसका जब हम ग्राफ बनाने की कोशिश करें, मीनिंग इस इक्वेशन का, जैसे इक्वेशन नंबर टू, इसको जब हम ग्राफ में बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो एन की डिफरेंट वैल्यूज रखते जाएंगे और जो आता जाएगा उसको हम ग्राफिकली प्लॉट करते जाएंगे। तो मीनिंग जब एन इज इक्वल टू जीरो था तब क्या आ रहा है? मैसेज सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म मल्टीप्लाई बाई एफ एस, और मैसेज सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म हमने ग्राफिकली इस तरह से रिप्रेजेंट किया। जो हमें यहाँ पे आउटपुट मिलेगा वो कैसा होगा? कुछ ऐसे ग्राफ जो बनेगा प्लस, इसका एम्पलीट्यूड अभी तक वन दिया गया था, अब एम्पलीट्यूड कितना है? एफ एस। यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड